सो हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस तरह का एक कमाल का और शानदार स्टेटस अपने मोबाइल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, बस आपको करना कुछ नहीं, जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो कर लेना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है तो आप भी इस तरह का स्टेटस बनाना सीख जाओगे। और दोस्तों, अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करता रहता है और आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहेगा, ठीक है? तो और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जल्दी हमारे जो 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपको सबसे पहले यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। अगर आपके पास ये वाला काइन मास्टर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस काइन मास्टर की एक सबसे अच्छी बात है कि ये जो काइन मास्टर वो हर एक मोबाइल में अब सपोर्ट भी करेगा, ठीक है? तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 1:1 वाला जो रेशियो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मीडिया वाले बटन पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड पर जाना है और यहाँ से आपको एक व्हाइट वाला जो बैकग्राउंड है उस पर क्लिक कर देना है। सो क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे जाना है और इसका जो कलर है वो आपको ग्रीन स्क्रीन कर देना है, ठीक है? कुछ इस तरह से। सो ये करने के बाद लेयर पे जाना, टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट लिख देना कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट फॉर और यहाँ पे जो है दो इमोजी ऐड कर देता कुछ इस तरह से। सो इमोजी ऐड करने के बाद इमोजी को आपको यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है? मिडल में रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला, ठीक है? तो अगर आपके पास ये वाला फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे स्टोर का बटन मिलता है, वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये वाला जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको साइज में थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? तो और इसकी लेंथ यहाँ से आपको बढ़ा लेनी है दोस्तों। सो ये करने के बाद फिर से लेयर पे जाना, टैक्स पे जाना है और यहाँ से आपको एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो 1 यहाँ पे मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है और यहाँ पे रख लेनी है। रखने के बाद फिर से फॉन्ट पे जाना है और यहाँ से आपको एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जो कि बहुत ही कमाल का है, तो आपको ये वाला जो फॉन्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो ये करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों सिंपली करना कि आपको इस पर 3 डॉट पे जाना है और इसे आपको डुप्लीकेट कर देना है। सो डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ पे जो मंथ है वो टाइप कर लेना, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ अगस्त, ठीक है? तो ये करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक काम करते, हम यहाँ पे इसको कैपिटल में सेलेक्ट कर लेते ताकि एक अच्छा सा लुक मिले, ठीक है? तो यहाँ पे अगस्त लिख देना है और इस तरह से आपको यहाँ पे रख लेना है और इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ से बढ़ा लेनी है जितना हमारा स्टेटस हो। सो उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर पे क्लिक करना है और इसकी साइज़ को यहाँ से आपको बड़ा सा कर देना कुछ इस तरह से और यहाँ पे आपको रख लेना, ठीक है? सो ये करने के बाद इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है। सो बढ़ाने के बाद सिंपली आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाना है, कैचे वाले बटन पर क्लिक करना है और स्प्लिट एट प्लेहेड कर देना है। सो ये करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है और इसकी जो साइज़ है दोस्तों वो आपको बिल्कुल भी कम कर देनी है। इसको स्क्रॉल करना अपने दोनों हाथों से और यहाँ पे एकदम कम कर देनी कुछ इस तरह से, ठीक है? सो ये करने के बाद इस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पे जाना है और डुप्लीकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे करने के बाद फिर से आपको कीबोर्ड वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से जो डेट है वो 2 कर देनी है, ठीक है? सो 2 आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 डॉट पे जाना है, डुप्लीकेट कर देना है और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से यहाँ पे रख के इसको डेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ा लेना है। तो यहाँ से मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है? तो 3 करने के बाद फिर से डुप्लीकेट पे जाना है और इस तरह से आपको यहाँ पे जितना आपका डेट रहेगा उतना आपको यहाँ पे बढ़ा लेना है, ठीक है दोस्तों? अगर आपको ये रेडीमेड ग्रीन स्क्रीन चाहिए दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्या करना, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपको जो डायरेक्टली जो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बताया हूँ कि आपको इस ग्रीन स्क्रीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आपको चेंजेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा डेट है वो चेंज हो रहा है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्टली ग्रीन स्क्रीन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लो। तो इस तरह से आपको वीडियो क्रिएट करना है और सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो मैंने जो ग्रीन स्क्रीन है वो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया था, तो मैं यहाँ पे बैक वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, फिर से आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, 1:1 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको एडिटिंग वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपको यहाँ पे फिल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो वाला सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद मीडिया पे जाना है और दोस्तों यहाँ से आपको कुछ गणपति के फोटो जो कि आपको सेलेक्ट कर लेने। अगर आपके पास फोटोज नहीं रहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि बहुत ही कमाल के फोटो, और आपको मालूम है 22 अगस्त को जो है गणेश चतुर्थी है, तो बहुत ही कमाल का स्टेटस हमारे यहाँ पे रेडियो के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। और दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारा जो फोटो है वो एकदम अचानक से चेंज नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या, सिंपली इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है, फोटो पर क्लिक करना है और इसकी जो लेंथ है वो आपको पूरी की पूरी कम कर देनी है, ठीक है। इस तरह से अपने दोनों हाथों से इसे एकदम कम कर देना ताकि थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे गैप ना रहे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह से, हर एक फोटो को आपको सिंपली इस तरह से आपको कर देना है, और आपको यहाँ पे जितना फोटो लगाना है आप वहाँ पे इसे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, आप देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो यहाँ पे फटाफट चेंजेस हो रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो वीडियो वो 1.5 सेकंड का है, तो आपको सिंपली यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करना है और वीडियो को अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर देना है। सो एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसको 3 बार आपको यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फिर से आपको बैक वाला ऑप्शन पे जाकर 1:1 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, फिर मीडिया पे जाना है, और अभी जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था वो वाला वीडियो आपको यहाँ पे 3-4 बार, मतलब जितना आपको अगर 30 सेकंड बनाना चाहते हो तो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते कुछ इस तरह से। तो उसके बाद वीडियो को सिंपली गैलरी में एक्सपोर्ट कर देना इस तरह से, और अभी हम आपको बताएंगे कि आप इसमें आप ग्लिच इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज अभी आपको यहाँ पे इनशॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जैसे आप ओपन करोगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है और यहाँ पे आपको वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, और अभी जो वीडियो काइन मास्टर से आपने सेव किया था वो वाला वीडियो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वाटरमार्क देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे करना है इस क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फ्री रिमूव वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ऐड शो होगा, तो ऐड शो होने के बाद आपका जो वाटरमार्क है वो बिल्कुल भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आप देख सकते हो मैं प्ले करके दिखा देता, आपको यहाँ पे जो वाटरमार्क था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अभी दोस्तों आपको करना है सिंपली इस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से आपको इफेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ग्लिच वाला जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ये जो है वो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो अभी मैं दोस्तों प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारे स्टेटस में ग्लिच वाला जो इफेक्ट है वो बहुत ही कमाल का लग रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 1080 में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये जो वीडियो हमारी गैलरी में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, और अभी आपको फिर से काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। सो गाइज आपको यहाँ पे फिर से काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर देना है, फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 1:1 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सो ये करने के बाद आपको मीडिया वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक कलर वाला जो बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही कमाल का इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्रॉपिंग वाला बटन को ऑन करना है और इक्वल का ऑप्शन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो ये करने के बाद आपको इसको जूम कर देना है, जो आपको कलर चाहिए वो आपको यहाँ पे रखना है, और यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको 5 सेकंड के यहाँ पे स्क्रॉल करना है, और एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद मीडिया पे जाना है, और दोस्तों अभी जो वीडियो आपने ग्लिच इफेक्ट वाला सेव किया था वो वाला वीडियो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लेयर पे जाना, मीडिया पे जाना है, और जो ग्रीन स्क्रीन आपने बनाया था, ठीक है, अगर आप नहीं बनाया रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाकर इससे आपको यहाँ पे क्रोमा की जो ऑप्शन है उसका आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है, ठीक है। सो इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे 50 की जगह 51 या 55 कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छे से यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे सिंपली एक जो म्यूजिक है वो ऐड कर देना है। तो आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और अगर आपके पास जो है ऑडियो नहीं रहेगा तो आपको करना क्या, सिंपली कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे जाना आपको यहाँ पे एग्जैक्ट ऑडियो करके ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वीडियो को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से एक बार इसको सुन लेते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा वीडियो खत्म होता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो आपको रिमूव कर देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे दोस्तों करना कि आपको यहाँ पे ट्रांजिशन वाला बटन मिलता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, स्पीड टर्न वाला, और ये वाला जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है वो वाला सेलेक्ट कर लेना है, और इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे 1 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सो ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, और आपको यहाँ पे एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है ग्लिज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो इफेक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको यहाँ पे स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देना कुछ इस तरह से, ठीक है।
यहाँ पे आपको रखना है। रखने के बाद सेटिंग पे जाना है और सेटिंग्स की कर देनी है 1 और क्वालिटी भी यहाँ पे आपको 12 तक कर देनी है, ठीक है। सो ये करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो वाला आपको पार्ट यहाँ से रिमूव कर देना कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से प्ले करके देख देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रीन स्क्रीन था वो शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे की तरफ स्क्रॉल करना कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको रख लेना है और जो ग्लिज वाला इफेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेनी है। सो ये करने के बाद लेयर पे जाना, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक स्क्रीन जो बॉर्डर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम एक फुल आपको यहाँ पे स्क्वायर वाला बॉर्डर सेलेक्ट करके यहाँ पे 3 डॉट पे जाके इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है ताकि एक अच्छा इफेक्ट लगे हमारे स्टेटस में, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है। बढ़ाने के बाद फिर से लेयर पे जाना, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको स्टार वाला जो इफेक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से, और 3 डॉट पे जाके इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। उसके बाद नीचे जाना ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे और स्क्रीन पर टैप कर देना है दोस्तों। उसके बाद एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से एडजस्टमेंट को थोड़ा सा हाई कर देना है दोस्तों। जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया वीडियो में उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसका जो वॉल्यूम है वो आपको बिल्कुल भी डाउन कर देना ताकि जो एक्स्ट्रा साउंड है वो आपको यहाँ पे देखने को न मिले, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना लोगो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास लोगो रहेगा तो। तो यहाँ से हमारा जो वीडियो वो फाइनल रेडियो के आ जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं, बस वीडियो को सेव कर देना अपनी गैलरी में कुछ इस तरह से। और अगर आपके मोबाइल में फुल HD में सपोर्ट करे तो आप फुल HD में इसे सेव कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।